ये Arduino Uno IR सेंसर, एक LED जिस पर मैंने दो क्रोकोडाइल क्लिप्स कनेक्ट किए हुए, और जम्पर वायर का सेट जिसमें एक साइड फीमेल है और एक साइड मेल है, और दो जम्पर वायर्स का सेट जिसमें दोनों साइड मेल है, Arduino का USB कनेक्टर और एक पावर बैंक। IR सेंसर के कनेक्शंस कर लेते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं, आउटपुट, ग्राउंड और VCC। तो इसको जो फीमेल वायर था उससे अटैच कर देंगे। और ये अटैच हो गया। अब LED को कनेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने क्रोकोडाइल क्लिप्स को कनेक्ट कर दिया है, सो दैट कनेक्शन ईजी हो जाए। अब इससे कनेक्ट हो गया और ये ऐसे कनेक्ट। तो ये हमारा कोड है, और ये देखो, इसके हिसाब से IR सेंसर को सेकेंड पिन पे कनेक्ट करना है, और जो LED है उसको थर्ड पिन पे कनेक्ट करना है। तो ये पूरा कोड हो गया हमारा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही वेरीफाई हो जाएगा, डन कंपाइलिंग। और मैंने USB से Arduino को कनेक्ट कर दिया है। अब इसे अपलोड करते हैं। अपलोड कर, अब यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर दिया और अब अपलोड कर दिया। अपलोड होते ही यहाँ पे लाइट एक बार ब्लिंक होगा और ये अपलोड होगा। तो Arduino बोर्ड पे कुछ स्लॉट्स देख लेते हैं। ये 2 का स्लॉट है और ये 3 का स्लॉट है। यहाँ पे IR सेंसर को फिट करना है और यहाँ पे LED को फिट करना है। और अब इस साइड में ये जो है, ये ग्राउंड का स्लॉट है, ये और एक ग्राउंड का स्लॉट है, ये 5 वोल्ट का है, ये 3.3 वोल्ट। तो इन सब में हमें कनेक्शन करने हैं। तो चलो कनेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले IR सेंसर के कनेक्शंस देखते हैं। जो आउटपुट है उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ 2 पे। उसके बाद जो ग्राउंड है उसको कनेक्ट करेंगे ग्राउंड पे, और फाइनली जो VCC है उसको 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। अब LED के कनेक्शंस। LED में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको 3 पे कनेक्ट करना है, और जो नेगेटिव है उसको ग्राउंड पे। USB को पावर बैंक पे कनेक्ट किया और इसको ऑन। अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो सेंसर है, ये जैसे ही कुछ सेंस करेगा यहाँ पे LED ऑन हो जाएगा ऐसे, और जैसे ही उसके सामने से वो हट जाएगा LED ऑफ हो जाएगा। तो अब सेम ही कनेक्शन को यूज करके हम इस LED को एक बजर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बजर है, इसमें भी क्रोकोडाइल क्लिप्स को कनेक्ट किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले यहाँ से LED को निकाल दिया, और सेम जगह पे अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट किया और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया, और इसको वापस कनेक्ट करने पे तो अब सेंसर जैसे ही किसी चीज को सेंस करेगा बजर बजने लगेगा, और जब उसके सामने से हट जाएगा बजर बंद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में।